देख ये आप देखो कि बिल्कुल आपको टाइगर वाला फील आएगा ये पूरा टाइगर। पहली बार जो इंक्वायर हाथ में ले रहे हैं शेड कर दिया है देख सकते हैं। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और एक और के साथ आ चुका हूँ मैं आप लोग के लिए। सो फ्रेंड्स आज जो अपन आया दानिश भाई के घर पे है अपन आज और दानिश भाई के घर पे क्यों आए और क्या काम से आए। सो आज जो दानिश भाई अपन को जो है कैट्स दिखाने वाले और जो कैट्स है वो शायद ही कहीं अपने अहमदाबाद में आपने देखी या तो मैंने पहली बार ही देखी है। आप लोग ने सही में देखी हो तो पता नहीं मुझे, पर मैं तो पहली बार ही देखने वाला हूँ और आप लोग को ऐसी कैट्स शायद ही आपको ऐसे चैनल्स पे देखने को मिलती होगी, पर दिखना मैं आज आपको जो कैट दिखाने वाला हूँ। दानिश भाई अभी ऊपर गए और वो कैट लेके आ रहे हैं और साथ में अमित भाई ये देख सकते हैं। तो बहुत दूर ट्रैवल करके अभी जो दानिश भाई ने बुलाया मेरे को और दानिश भाई के घर पे आया हूँ और भी एक्जॉटिक जो है एनिमल्स है और इनके पास आते रहते हैं। तो दानिश भाई अभी कैट लेने के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं दानिश सर के घर पे आए और सर ही बोला जाएगा क्योंकि जो है इनके पास जो चीज़ है मैंने अभी हाथ में रखा है ये जो है अपने क्या बोलते हैं इसको बंगाल कैट से, ये बंगाल कैट से देख सकते हैं रोजर बंगाल है और बहुत ही देख सकते हैं इसमें चीता वाली फील आ रही है पूरी। और मैं फर अड़ के क्या बोलूँ क्योंकि इसका जो फर है बहुत ही जिसे बोल सकते हैं बेहतरीन है और इसका भी देख सकते हैं। सो इसमें मेल फीमेल कौन सी है? ये मेल है और वो फीमेल, ये फीमेल है। और दानिश भाई आज क्या है आज का दिन आप मेरे को? आज इंटरनेशनल कैट डे है तो हमने सोचा कि युवराज भाई की वैसे काफी सारी वीडियोस आती है यूट्यूब पे तो इंटरनेशनल कैट डे के दिन आज हम उनको इंटरनेशनल कैट शो करते हैं। जनरली पर्शियन कैट्स इन्होंने कवर की भी है बहुत सारे पेट शॉप है लेकिन ये जो है ये बंगाल है इसको रोजेट बंगाल बोलते हैं। ये आप जूम करोगे तो बिल्कुल गोल्डन शेड आएगा और ये जैसे जैसे अभी इसका एक्चुअल एज जो है वो 7 मंथ रनिंग है और जो फीमेल है वो 6 मंथ हमारा रनिंग है। ये अभी साइज और लेगा और ये जो है रशिया से इसके मदर फादर इम्पोर्ट है, मदर फादर जो है वो टीका रजिस्टर्ड है और ये बच्चे जो है ये हमारे WCF रजिस्टर्ड है। हाँ ये रजिस्टर्ड है अगर और एक चीज ये है कि इसका जो प्रिंट है साइज देख लीजिए प्रिंट ये आप देखो कि बिल्कुल आपको टाइगर वाला फील आएगा ये पूरा टाइगर वाला और मे भी शायद गुजरात में किसी के पास नहीं है एज पर माई नॉलेज के मुझे जहाँ तक पता है कि फर्स्ट इम्पोर्ट ब्रीड लाने वाले हैं गुजरात में हम लोग ही हैं। हमारा पेट शॉप भी था लिमरा पेट्स एंड एक्वेरियम करके ऑपोजिट सचिन टावर श्यामल क्रॉस रोड के पास लेकिन अभी हमने वो क्लोज कर दिया है। अभी हमारा 2 पेट शॉप है मुंबई में वाइल्ड लाइफ पेट शॉप एंड एक्वेरियम करके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ये मेल है हमारा 7 मंथ का देख सकते हैं 7 मंथ का तो भी बहुत 7 मंथ में आप देख लीजिए कि इंडिया में जो पर्शियन कैट्स रहती है उसकी भी वो साइज नहीं रहती है ये और इसकी और ये फीमेल इधर अपनी फीमेल भी बहुत ही अच्छी साइज में देख सकते हैं। और देखिए ये फीमेल है ये अभी 6 मंथ की फीमेल है और इसका भी आप प्रिंट अगर देखना चाहोगे तो बिल्कुल आपको टाइगर प्रिंट दिखेगा रोजेट क्लियर दिखेगा। और ये अभी थोड़ा ब्लैकिश शेड में है क्योंकि छोटी है कैट इसलिए ये जैसे जैसे बड़ी होगी ये अभी 6 मंथ की है 7 मंथ की एज में ये शेड लेगी ये गोल्डन ये ब्राउनिश शेड है और जैसे जैसे बड़ा होगा ये जो आपको गोल्डन कलर शेड दिख रहा है ये पूरा गोल्डन ये आ जाएगा बिल्कुल। सो देख सकते हैं यार बहुत देख लीजिए आप साइज अगर देखने जाएंगे एज कम्पेयर तो ये 1.5 फीट से ज्यादा है देख सकते हैं 1.5 फीट से ज्यादा है इसकी लेंथ जिसे बोल सकते हैं हेड टू टेल अगर लेंगे तो 2 फीट है देख सकते हैं 2 फीट की पूरी भाई ने ऐसे पकड़ी है पूरी देख सकते हैं यार बहुत ही इसका नाम जो है सुल्तान रखा है नाम सुल्तान रखा है भाई ने इसका नाम जो है सुल्तान रखा है पेट पे से भी पूरा आपको गोल्डन दिखेगा देख सकते हैं यार पूरा टाइगर वाली फील दे रहा है ये तो और बहुत ही खूबसूरत है सुल्तान एकदम फ्रेंडली लग रहा है क्योंकि जो है सब जो छोटे बच्चों के साथ उनका रहने का है देख सकते हैं भाई का जो छोटा बेबी है उनके साथ जो बहुत अच्छी से रहता है और देख सकते हैं सुल्तान भी बहुत अच्छी से जो है भाई के बेबी के साथ बहुत अच्छी से खेल रहा है देख सकते हैं सुल्तान और ये मोइजा सुल्तान और इसका नाम क्या है मोइजा नाम है इसका मोइजा वैसे घर में सब काली बोल के बुलाते हैं लेकिन इसका जो पेपर में नाम है वो मोइजा मोइजा और यानी रजिस्टर है यानी रजिस्टर्ड है दोनों WCF रजिस्टर्ड है ओके ओके यार देख सकते हैं दोनों रजिस्टर है मेल फीमेल है और प्राइस क्या बोलेंगे अपन इसकी ये इसके अभी एक्चुअली ब्रीड होने के बाद प्राइस डिसाइड होगा लेकिन बंगाल का जो स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 1,50,000 से स्टार्ट होता है ओके ये जो देख सकते हैं 1,50,000 जो कह रहे हैं 6,50,000 का ये बात आपकी सही है मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है बंगाल जो टाइगर होती है वो पैर आप लोगे तो ही अच्छा है क्योंकि बहुत लोग एक ही लेते हैं पर पैर में आपको बहुत महंगी पड़ेगी और फीमेल तो आपको ज्यादा ही महंगी पड़ेगी और मेल थोड़ा सस्ता पड़ेगा पर फीमेल जो है बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव है हाँ क्योंकि जो फीमेल जो है देख सकते हैं बेबीज भी देगी और मेल देख सकते हैं ये हमारा 3 लाख रुपीज का 3,50,000 की फीमेल है देख सकते हैं ये देखिए ये तुरंत ही है एक्टिव भी काफी है हाँ देख सकते हैं फीमेल एक्टिव भी है और 3 लाख का जो है वो मेल है 6,50,000 का पैर है। एक्चुअली हम लोग हॉबीस्ट है
तो ये घर के लिए हमने रखा हुआ है, लेकिन किसी को प्री ऑर्डर पे चाहिए तो वो भी हम मंगवा के दे सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आपको अगर ऑर्डर पे चाहिए तो भी आप मंगवा सकते हो, देख सकते हैं। और एक और जो बात है, मैं आपको बोल रहा था कि दानिश भाई का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उनको कांटेक्ट करें। और उनकी जो है पेट शॉप, जैसे कि उनने बोला महाराष्ट्र में बोला है, वहाँ पे था ब्रांच, तो ब्रांच था तो महाराष्ट्र में उनने क्या किया कि शिफ्टिंग कर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। सो जो है नंबर दे दूंगा, आप जो बात करना दानिश भाई से, बहुत अच्छी बात हुई है मेरी। और पर्सन आपको देख सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं कि अगर आपको ये अगर बंगाल की कैट चाहिए तो भी, बाकी आपको कोई भी पर्सन कैट चाहिए तो भी मिल जाएगी। पर अभी क्या है कि दानिश भाई के घर पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम जो है वो भी आपको दिखा देते। पर देख सकते हैं, और ये ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे एक कैट देख सकते हैं, ये नीचे एक और, पर बहुत ही जिसे बोल सकते हैं सॉफ्ट फोर है दानिश भाई। ये कैट मेरे को पसंद आ गई है यार, आपको भी पसंद आएगी। आप एक बार जो है देखिए कैट को, कितने मस्त फर है इसका, और ये देख सकते हैं पूरा टाइगर वाली फील दे रहा है यहाँ से। सो देख सकते हैं क्या, अभी पर्शियन कैट तो लोगों के पास, काफी सारे लोगों के पास है, लेकिन अब हमने सोचा कि गुजरात में कुछ नया लाया। हाँ, ये बात आपकी सही है, जो ट्रेंड बढ़ाया जाए। ये जो मैं बहुत सारे पेट शॉप में गया हूँ और बहुत सारे कुछ जिस लाइव बंगाल कहीं पर भी देखने, कहीं नहीं मैं पहली बार देख रहा हूँ ये लाइव बंगाल, देख सकते हैं आप, क्योंकि ऐसी कैट मैंने कोई पेट शॉप में भी नहीं देखी और ना ही मैं अभी तक देखी है। सही बोलूँ तो मैंने पहली बार देखी दानिश भाई के पास, और दानिश भाई भी मेरे को कब से बोल रहे थे कि जो कैट है मेरे पास आ चुकी है, पर आज जो है उसका पूरा पैर आ चुका था, जैसे देख सकते हैं फीमेल और मेल दोनों आ चुके आज। तो आज मैंने सोचा कि चलो दानिश भाई के घर चलते और जो है वीडियो बना लेते एकदम मस्त। और आप लोग कमेंट जरूर करना कि बंगाल गेट आपको कैसी लगी, और पूरा जो देख सकते हैं मैंने आपको पैर दिखाया है, अभी तक मेरे ख्याल से जो है किसी ने पूरा पैर नहीं दिखाया होगा बंगाल गेट का, किसी ने एक ही दिखाया होगा अभी तक, पैर किसी ने नहीं दिखाया होगा। और ये देख सकते हैं पूरा पैर है, और यहाँ पे मेल फीमेल, ये मेल है देख सकते हैं गोल्डन कलर में थोड़ा थोड़ा, और ये जो फीमेल है देख सकते हैं प्योर बंगाल गेट है, बहुत ही खूबसूरत। और दानिश भाई क्या कहना चाहेंगे कैट के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि लोगों ने पर्शियन कैट्स तो काफी सारी रखी भी है, और कैट्स में इंटेलिजेंट कैट अगर कहा जाए तो बंगाल है। बंगाल इसको अगर कमांड दोगे तुरंत कैच करता है। मैं अभी आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप ये वीडियो भी अटैच कर देना। जैसे मेरे पास स्टिक है, मैं यहाँ से डोर पे फेंकता हूँ तो वो लेकर रिटर्न आता है, वैसा मैंने इसको भी ट्रेन किया। यानी ये दानिश भाई कह रहे हैं कि जो ट्रेन भी बहुत अच्छी से हो जाती है, इसे बोल सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेलिजेंट कैट है ये। प्लस एज पर सिक्योरिटी अगर देखने जाए तो जैसे डॉग आपका एज अ गार्ड रहता है घर में, घर में अगर कैट्स रखती हो तो ये बिल्कुल वो रहता है, और ये गार्ड भी करता है, ऐसा गार्ड भी करता है कि अगर कोई अननोन पर्सन आ गया तो ये तुरंत डोर पे जाके खड़ा हो जाएगा कि ये अननोन पर्सन है। यानी देख सकते हैं, और दिखने में भी फुल एकदम खतरनाक दिखता है, पर बिल्कुल है नहीं खतरनाक, ऐसा सॉफ्ट नेचर है। हाँ, यानी नेचर बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि अड़ लिया काट लिया ऐसा कुछ भी नहीं। देख सकते हैं मैं मुँह के आगे भी हाथ लग रहा हूँ तो भी कुछ भी नहीं, देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट फर है भी इसका, देख सकते हैं। और कुछ ट्रेनिंग्स भी दिए दानिश भाई ने, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ऐड कर दूंगा इसमें, तो वो देख लेना आप वो ट्रेनिंग्स भी। दानिश भाई आप क्या बोल रहे थे, अब बोलिए। पर्शियन किटन्स भी अगर किसी को लेना है तो मेरा नंबर नीचे अभी ऐड कर देंगे, और मेरा गूगल पेज का जो लिंक है वो भी ऐड डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। तो ये कहना चाहूंगा कि पर्शियन कैट्स में काफी सारे लोग सेल करते हैं पर्शियन किटन्स, लेकिन वो कैसा है कि युवराज भाई से लिया, मैंने लेके सेल कर दिया, वो रजिस्टर्ड किटन्स नहीं रहते हैं। हम लोग का जो काम है वो क्वालिटी किटन्स है, हमारे किटन्स जो है वो FCI रजिस्टर्ड मिलेंगे, FCI मतलब फेलन क्लब ऑफ इंडिया, मे बी फर्स्ट रजिस्टर्ड कैटरी हमारा है FCI में। और किटन्स जो है विद सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप आपको मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा सा हमारा मतलब पेट शॉप के कम्पेयर में तो लो ही है, लेकिन कभी आपको लगता है कि हाई है, वो इसलिए हाई रहता है कि हमारे पास क्वालिटी रहेगा, प्योर डॉल फेस रहेगा, ट्रिपल गुड फर क्वालिटी रहेगी, और FCI रजिस्टर्ड है, उसमें उसका ब्रीड भी मेंशन हो जाएगा और क्या उसका हेयर क्वालिटी है वो भी मेंशन हो जाएगा। so तो किसी को अगर लेना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी 1 month के लिए हम ये कहना चाहेंगे तो चलेगा कि युवराज भाई फर्स्ट टाइम हमारे पास आए, तो अगर इनके रेफरेंस से कोई हमारे पास आता है तो हमारा जो रेगुलर प्राइस है वो प्राइस में हम आपको फ्री ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड करके दे देंगे। तो देख सकते हैं, अगर आप अगर मेरा चैनल का नाम लेके अगर कॉल करोगे तो आपको जो है ये चीजें फैसिलिटी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। FCI रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एंड माइक्रोचिप हम लोग आपको रजिस्टर्ड करके आपके नाम पर देंगे। ये 1 month के लिए अगर एज अ ऑफर गिनना चाहे तो गिन सकते हो आप। वैसे उसका चार्जेस एक्सटर्नली 2000 होता है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन हम लोग युवराज भाई के थ्रू आते हो तो हम लोग आपको फ्री ऑफ चार्ज करके, तो उसका देख सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा। और बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को, क्योंकि जो है दानिश भाई बहुत अच्छे हैं, जैसे बोल सकते हैं बहुत अच्छी से बात की दानिश भाई ने, और दानिश भाई को इतना नॉलेज है, मैं आपको क्या बोलूँ कैट्स में। तो देख सकते हैं अगर आपको कैट्स लेनी हो तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करना, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छे सेलर लगे दानिश भाई कैट्स के, देख सकते हैं ओनर भी बहुत अच्छे हैं।
और क्या बोलूं मैं दानिश भाई भी अगर किटन्स लेने के बाद हमारे गाइडेंस के हिसाब से आप चलते हो तो डैम श्योर हम लोग इतना बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ वैक्सीनेशन के सिवा वेट के पास कभी विजिट करना नहीं पड़ेगा। मतलब हम आपको इतना नॉलेज शेयर करते हैं कस्टमर्स को। कुछ जो ओनर होते हैं कैट्स या पेट्स देने के बाद फोन भी नहीं उठाते और हमारा फोन मॉर्निंग में 9 AM से रात को 12 AM तक चालू रहता है। कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कैट लेने के बाद भी ऐसा बोल रहे दानिश भाई के वो कैट की पूरा गाइडलाइंस देंगे वो कैट की देख सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही अच्छा है। इनफ है गाइडलाइंस के हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से आप चलते हो तो वाइट के पास सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ेगा, बाकी कभी भी लाइफ में आपको जाना नहीं पड़ेगा। वो हमारा मतलब गारंटेड गारंटी देते हैं कि हमारे हिसाब से आप अगर कैट को रखते हो तो लाइफ में जब तक उसका लाइफ है वो जिंदा रहता है कभी आपको वेट का विजिट करना नहीं पड़ेगा। ओके और जो मैं देखता हूँ कि बहुत जो कैट्स होती है उनकी जो आंखों में कीचड़ और ये सब होता है वो इसमें तो नहीं मिला, इसमें नहीं मिला मेरे को। ये चीज बहुत ही अच्छी है जो डिवॉर्मिंग का जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट डिवॉर्मिंग एंड वैक्सीनेशन दोनों रहता है। डिवॉर्मिंग में एक्चुअली डिवॉर्मिंग है क्या वो जनरली कस्टमर्स को नहीं पता होता है। कैट में डिवॉर्मिंग एक्चुअली होता क्या है कि दो टाइप्स के डिवॉर्मिंग होते हैं। एक तो जो आता है वो टॉनिक आता है tonic. वो आपको कैट की वेट और एज के हिसाब से पिलाना रहता है। दूसरा अच्छा। जो भी आता है वो स्किन पे ड्रॉप करना रहता है कि आपको 3 ml जैसा यहाँ पर स्किन पे ड्रॉप कर देना है वो खुद ही डिवॉर्मिंग हो जाता है। डिवॉर्मिंग के फायदे ये कि उससे कैट्स की हेल्थ भी बढ़ती है। मेन क्या है कि ये लोग जब अपने आप को लिख करके मतलब चाट के साफ करते हैं तो ये लोग के जो हेयर वो पेट में और लंग्स में जमा होते हैं। डिवॉर्म आप करोगे तो सारे हेयर जो है वो 2 या 3 बार वो लूज मोशन जैसा टॉयलेट करेगा और सारे हेयर उसमें निकल जाएंगे। उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, उसकी भूख भी खुलेगी और उसका वेट भी गेन होगा। कैट्स में कंपलसरी ये करना है। जनरली कस्टमर्स को पता नहीं होता है कैट्स ले लेते हैं, वैक्सीनेशन क्या है वो भी पता नहीं है कि कैट्स में वैक्सीनेशन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन की जो नीड होती है कैट में होनी चाहिए और डिवॉर्मिंग एवरी मंथ कैट को करना चाहिए। अगर आप हेल्दी और सेफ कैट रखना चाहते हो घर में तो वैक्सीनेशन उसका टाइमली करवा लो और डिवॉर्मिंग करवा लो। वैक्सीनेशन जो होते हैं वो भी मैं आपको डीप में बता देता हूँ कि 3 वैक्सीनेशन कैट में लगते हैं फर्स्ट ईयर में जब वो बच्चा होता है। फर्स्ट लगता है वैक्सीनेशन उसका 45 डेज की एज में। उसके 2 मंथ के बाद सेकंड वैक्सीनेशन लगता है और उसके 2 मंथ के बाद थर्ड लगता है। मतलब 6 मंथ की एज में जो है उसके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ईयर में नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट आप एक ही वैक्सीनेशन लगेगा जिसको बोलते हैं बूस्टर। साल में एक बार फिर लगता है। फर्स्ट ईयर जब आप किटन लेते हो तब 3 वैक्सीनेशन लगते हैं। यानी वो जो 6 मंथ तक लगती रहेगी और उसके बाद जो है 3 वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगले साल लगेगा, वो एक ही लगेगा, उसको बोलते हैं बूस्टर। बूस्टर बोलते हैं उसे। तो देख सकते हैं इतना नॉलेज आपको दे दिए, अभी भी आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको मिल गया होगा। इतना शायद ही मैंने कोई वीडियो में और या किसी ने बताया होगा। तो देख सकते हैं और ये सारी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग की भी आपको जानकारी मैंने दे दी है तो देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा दानिश भाई से मिलके, क्योंकि बहुत सारा जो नॉलेज भी दिया दानिश भाई ने हमें और जो कैट के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताई। और देख सकते हैं वो ऊपर खुद से अपने आप को क्लीन कर रहा है। देख सकते हैं उसके पॉज जो वो खुद ही क्लीन कर लेगा सब कुछ अपने आप। ये बंगाल में खास चीज़ है कि उसके नेल्स भी कट करवाने की जरूरत नीड नहीं रहती, क्योंकि जो एक्स्ट्रा के नेल्स रहते हैं वो लोग खुद ही बाइट करके निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना जो समझदार है, देख सकते हैं बंगाल कैट बहुत ही ज़्यादा यार। और अपने आपको देख सकते हैं नेल भी अपने आपके ऐसा नहीं लग रहा कि नेल बड़े। बाकी जो इस कैट को मैंने उठाया तभी पता चल गया, क्योंकि मैं पर्सन कैट्स को और ये सारी कैट्स को उठाता तो नेल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं मेरे को। तो देख सकते हैं और अपने आपको साफ कर रहा है अभी, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और देख सकते हैं ऊपर में सो रही है अभी, ये बहुत ही फूटी साफ कर रही है अपने आप, सब साफ ही करते हैं अपने आपको। देख सकते हैं कैट्स में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, कभी भी अपने आपको साफ ना करें ऐसा बनता नहीं है। कभी ये लोग बैठे होते तो अपने आपको साफ ही करते रहते हैं एकदम। उसको देख के इसलिए हम लोग यहाँ पर लाएंगे। मुंबई वाली ब्रांच में मेरे वो अवेलेबल है, आपको अगर देखना हो तो मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी जो मेरे पास छोटा बेबी है 14 इंच का वो मैं शो कर रहा हूँ, मैं आपको कवर करता हूँ। तो अभी जो इग्वाना वो लेके आते हैं दानिश भाई, मैं जब तक आपको एक कैट दिखाता हूँ। और जो इग्वाना जो है शायद ये अहमदाबाद में पहली बार ही मैं जो है देख रहा हूँ इग्वाना, क्योंकि मैं किसी के पास देखा नहीं अभी तक इग्वाना। और जो कैट्स भी देख सकते हैं बाकी ऊपर चली गई सारी, दानिश भाई ऊपर चले गए, देख सकते हैं दानिश भाई ऊपर गए सारे कैट्स बहुत अच्छी से जो है, देख सकते हैं दानिश भाई नीचे आ चुके हैं। तो देख सकते हैं एक तो आ चुके, दोनों आ चुके हैं सुल्तान, देख सकते हैं दानिश भाई की आवाज़ से। अभी जब मैं पहली बार आया था तब दोनों आ चुके थे, एक बार में ही आ गए थे। अभी जो है दानिश भाई ऊपर इग्वाना को लेने, तो जो है देखिए ये अभी
देख सकते हैं भाई, ये इगुआना है। ये इगुआना कितने इंच का होगा? ये 14 इंच का है, हेड टू टेल। ओके, तो ऐसा सो देख सकते हैं कितना एक्टिव इगुआना है। और भाई देख सकते हैं, और इसके लिए क्या साइज थी मैं भूल गया, ये 14 इंच का है, हेड टू टेल। देख सकते हैं हेड टू टेल 14 इंच का है। ये लोग का लाइफ टाइम जो रहता है वो 40 इयर्स रहता है, मतलब एज अ रेप्टाइल। मैं इधर बैठ के जो थोड़ा मैं बता दूं, तो देख सकते हैं ये इगुआना जो है ये आउट ऑफ इंडिया, एक्चुअली ये बिलोंग करता है थाईलैंड से। इसका नेटिव जो है वो थाईलैंड है। ओके, ये इंपोर्टर ने थाईलैंड से इंपोर्ट किया था और ये हमारी शॉप पे आता रहता है मुंबई वाली ब्रांच पे। ये हमने हमारे घर के लिए रखा भाई। ओके, इसका फॉरेन कंट्री मतलब थाईलैंड के अगर एटमोस्फियर में ये रहता है तो इसका लाइफ टाइम जो रहता है वो 40 इयर्स रहता है। ओके, और दूसरी इगुआना की खास बात ये है कि ये एक फर्स्ट पैट ऐसा है रेप्टाइल्स में कि जिसको 60 डेज तक आप अगर खाना नहीं दोगे ना तो बिगर फीड किए हुए ये रह लेगा, सिर्फ इसको पानी की नीड है। और ये लोग अपनी स्किन खुद शेड करते हैं, उसको शेडिंग बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर ब्लू है और ये नीचे से ग्रे ग्रीन है, ये आपको स्किन भी इधर दिखेगा। देखिए ये स्किन इसने शेड किया हुआ है, देख सकते हैं ये स्किन शेड किया हुआ है इसने, देख सकते हैं पूरा। जैसे जैसे शेडिंग करेगा ये लोग की स्किन ऑटोमेटिक न्यू स्किन आती रहती है। ये और भी यानी थोड़ा यानी ग्लोसी टाइप हो जाएगा, एकदम ग्रीनिश हो जाएगा। और ये मेल अगर है तो 3 साल की एज में ये तकरीबन 5 फीट तक चला जाएगा, और फीमेल है तो 4 फीट तक जाएगा, क्योंकि फीमेल जो है वो साइज नहीं रहती है, छोटी रहती है। मेल की साइज बड़ी रहती है, लेकिन ये हमारे जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर शेयर करूं तो ये मुझे 99% मेल लग रहा है। जनरली इगुआना में 1 साल तक कोई भी नहीं बता सकता, मतलब कोई भी नहीं बता सकता जो 20 ईयर से ब्रीड कर रहा है, इवन वो भी कंफर्म तो नहीं बता पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ही पता चलता है जेंडर। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस ये मेल है, लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि ये मेरे पास आया था 1 मंथ पहले जब ये 9 इंच का था और 1 मंथ में ये 14 इंच तक चला गया। ओके ओके, तो मेल ही होगा, एक मंथ में इसने 5 इंच साइज पकड़ लिया। ये तो ये मेल ही है, आप देख लीजिए इसका हेड टू टेल। और ये देख सकते हैं एकदम इतनी बड़ी टेल है और ग्रीन इगुआना, और ये अच्छे से चलेगा भी, अच्छे से चल रहा है और फ्रेंडली है। देख सकते हैं पूरा ऐसा कुछ भी नहीं, बाइटिंग करते नहीं है ये, नहीं बिल्कुल बाइट नहीं करेगा। खाने की बात करें तो दानिश भाई क्या खाने में, ये एक्चुअली इगुआना जो रहते हैं ये लोग लीफी रहते हैं, इनको लीफ ज्यादा पसंद है। एक ड्रम स्टिक बोले हिंदी में सेंगड बोलते हैं, उसके झाड़ के पत्ते ये लोग खाते हैं, फिर कोतमीर ये लोग खाते हैं, उसके बाद आप टमाटर उसको छीले जो वेजिटेबल्स और फल फ्रूट्स में वेजिटेबल्स, हाँ ज्यादातर ये लोग को पसंद रहता है कोतमीर। कोतमीर ये लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, ककड़ी और गाजर ये लोग की 3 चीज मेन डाइट रहती है। उसके बाद मजूरी करके एक फूड आता है, MAZURI, वो इंटरनेशनल फूड है, वो फूड भी ये लोग के लिए अच्छा रहता है। प्लस आप इनको फ्रूट्स दो, फ्रूट्स में बनाना इनको काफी पसंद है, बनाना ये लोग खाते हैं, बनाना एप्पल है, फिर बबू पोचा जो बोलते हैं यहाँ पर, यानी फ्रूट्स में खाएंगे, जामफल खाते हैं ये लोग। तो देख सकते हैं आपको अगर जो कट कर करके छोटा छोटा देना है उनको तो वो, हाँ बिल्कुल चॉप करके आप दो तो चलेगा, बहुत अच्छी से देख सकते हैं। ये अभी बेबी 3 मंथ का है ये। ओके, इसका ज्यादा एज भी नहीं है, ज्यादा एज नहीं है, 3 मंथ के बेबी ने। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा जो है उसका निकला है, देख सकते हैं। ये भी अगर आपको प्री ऑर्डर पे चाहिए तो हम मंगवा के देंगे, मुंबई वाली पेट शॉप पे अवेलेबल रहता है, इसको ये हम आपको मंगवा के दे सकते हैं। इसको ग्रीन इगुआना बोलते हैं, इसमें हमारे पास ल्यूटिनो आता है, वो येलो कलर का रहता है, ल्यूटिनो भी मिल जाएगा, ब्लू रहता है ब्लू भी मिल जाएगा, आपको रेड चाहिए तो रेड भी मिल जाएगा, हाइपर रेड भी मिल जाएगा, मतलब इगुआना की जितनी भी रेंज है सब प्री ऑर्डर पे आपको सारे सारे मिल जाएंगे। देख सकते हैं दानिश भाई ने तो पूरे जैसा लग रहा है अहमदाबाद में जो है नाम करने वाले दानिश भाई, क्योंकि जो मैं पहली बार देख रहा हूँ इगुआना। सो देख सकते हैं इसमें भी दानिश भाई कलर आप लोग को बोल रहे इतने सारे मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ग्रीन कलर ही नहीं होता, नहीं रहता सही से नहीं होता, क्योंकि नहीं इतना सही ग्रीन कलर मैंने अभी तक नहीं देखा है। और अभी एक मंथ जैसा और जाएगा तो और प्रॉपर ग्रीन होगा, क्योंकि ये लोग को जो है बास्किंग जरूरी है। अगर आपके यहाँ पर धूप आ रही है तो उसको डेली 2 घंटा धूप में रखना है, जब तक धूप में नहीं रखोगे, क्योंकि ये कोल्ड ब्लड रहता है, इनका खून ठंडा रहता है, अगर आप इसको धूप नहीं देते हो तो ये बिल्कुल सुस्त हो जाएगा और शांत हो जाएगा ये। ओके, तो नीड में जो है इसको एक बार अगर आप एक दिन फीड नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 घंटा धूप दिखाना जरूरी है, धूप दिखाओ या फिर यूवी लाइट आप दिखा दो, अल्ट्रावायलेट वाला जो लाइट आती है यूवी लाइट आप दिखा दो। देखिए मेरे कैट से भी बिल्कुल फ्रेंडली है, देख सकते हैं ये सुल्तान हमारा इसके साथ अच्छे से खेलता है, सुल्तान के पास भी ये रहेगा, अच्छे से रहता है ये। देखिए ये देख सकते हैं सुल्तान, कैट्स आप देखते हो जनरली के लिजार्ड को देखते हैं हमला करते हैं, लेकिन हमारा सुल्तान जो है वो इगुआना से बिल्कुल पैचिंग हो गया, दोनों का कंफर्टेबल है, वो उसकी टेल से खेलेगा भी, टेल से देख सकते हैं टेल तो है, टेल से उसके खेलेगा भी वो।
और टेल को भी देख सके, बाइटिंग नहीं उसको, नहीं टेल को सिर्फ देख रहा है और बहुत तो ये चीज है कि ये हमारा मतलब तीनों चीज करके हाँ, तीनों का पैच करके रखा है, मतलब जो दुश्मन रहते हैं कैट और लिजर्ड देखते ही वो हमला करेगा, उसको भी इग्वाना से नहीं करता, उसको भी दोस्त बना दिया है क्योंकि जो बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही घर में जो रखना है तो बनाना ही पड़ता है दोस्त। और जो इससे भी पता चलता है कि फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, सब लोग देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा है इग्वाना, देख सकते मैं इसे एक बार ले सकता हाथ में। सो पहली बार जो है इग्वाना हाथ में ले रहे हैं, सो इसे ले लिया है और सो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी जो है ले लिया है और ये एकदम हड़ने पे ऐसा लग रहा है कि एकदम वो अपनी जो है त्वचा निकालता रहता है, ऐसा लगता है शेडिंग करता है, वो शेडिंग करता है, दिख रहा ग्लो स्किन लेकिन थोड़ा मैट टाइप रहता है, रफ स्किन दिखेगा, रफ स्किन है इसकी, बहुत ज्यादा रफ स्किन है फेस के पास से इसने शेड भी किया हुआ है, आप अगर देख यहां से दिखा हुआ है अगर कैमरा में तो ये कैमरा में शेड किया हुआ है, ये शेड कर दिया है देख सकते हैं, निकल जाएगा कल शाम तक स्किन और कलर प्रॉपर जो है वो आ जाएगा उसका, इसका पूरा जो कलर आ जाएगा और देख सकते हैं इतने बाद में जो है इसने पूरा वो शेड कर दिया है, तो ये आपको देख सकते हैं, आपको देखना होगा तो बहुत ही अच्छा है देख सकते हैं यार, मजा आ गया मेरे को तो दानिश भाई आप लीजिए इसे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो दानिश भाई की अपन घर पे है और जो कैट्स की वीडियोस ली, और आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको ये जो है बंगाल कैट कैसी लगी है। सो जो है वीडियो को यहीं पे दी एंड कर दो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सुल्तान जम लेके आओ, लाओ इधर लेके आओ, गुड बॉय, जाओ लेके आओ, जम सुल्तान जम कूदो, लाओ लेके आओ, 1 2 3 जल्दी लेके आओ, गुड बॉय।